ये है टेनेट मूवी का एक्सप्लेनेशन पार्ट टू। अगर आपने पार्ट वन अभी तक नहीं देखा है तो ऊपर आई बटन पे आपको मिल जाएगा, जाके पहले पार्ट वन एंजॉय करना फिर पार्ट टू का मजा उठाना। तो चलिए टेनेट की आगे की कहानी शुरू करते हैं। तो लेट्स बिगिन। दोनों अभी ये पूरी टीम बना के उसको लूटने जा रहा है एक ट्रक के अंदर, जहाँ पे लूटते समय एक्चुअल में हीरो को ये करना है कि सबसे पहले उसको ही ये चीज़ हासिल करनी है ताकि कैद की जान वो बचा सके। जहाँ पे हीरो कैसे तो करके इस बहुत ही अच्छे फाइट सीक्वेंस के साथ वो बचा ही लेता है आखिरकार, उस पूरे सूटकेस को अपने पास ले ही लेता है प्लूटोनियम को। जहाँ पे लेते ही सतोर उसके अपोजिट साइड में डायरेक्शन में भागते हुए, यानी कार उसकी चलते हुए नजर आती है, जहाँ पे सतोर कैद के ऊपर गन पॉइंट किए हुए हैं और हीरो को बोलता है कि तुम वो बैग मेरे पास हवाले कर दो ताकि मैं कैद की जान बचा सकूँ। जहाँ पे हीरो बिना सोचे समझे वो सूटकेस फेंक देता है जिसमें एक्चुअल में डिवाइस रहता है, जो एक्चुअल डिवाइस था जहाँ पे उसने ओपेरा हाउस में भी सेम डिवाइस देखा था, वही डिवाइस उस सूटकेस में मिलता है, प्लूटोनियम नहीं मिलता। वो बैग फेंक देता है और वहाँ से सतोर भाग निकलता है, पर सतोर भागने के समय ही सतोर एक गोली चला देता है जिस वजह से कैद को गोली अपोजिट डायरेक्शन में, यानी सामने से लगने की बजाय पीछे से अंदर से बाहर निकलती है, उसके आर पार चली आती है, जिस वजह से उसके अंदर एक्चुअल में न्यूक्लियर फ्यूजन तैयार हो रहा है, एक्चुअल में उसकी बॉडी अभी रेडिएशन से भरने वाली है। तो ये कैसे तो करके उसको बचा लेता है अपना हीरो कैद को, जहाँ पे बचाने के बाद ही वहाँ पे सोल्जर्स आ जाते हैं और इन लोगों को पकड़ के लेके जाते हैं। जहाँ सोल्जर दिखते हैं उन्हीं में से एक होता है हमारा नील। जी हाँ दोस्तों, तो हीरो उसे पकड़कर मारने लगता है, जहाँ पे नील उसे बताता है कि सतोर को उसने कुछ नहीं बताया, जहाँ पे सतोर के पास ही ऐसी एक टीम है जो टाइम में आगे जा सकती है और पीछे भी जा सकती है, जिससे सतोर को सब पता चलता है कि पास्ट में भी क्या हो रहा है और फ्यूचर में भी क्या होने वाला है, जो कि टिमरस स्टाइल की मदद से ही करता है जिसे वो फ्यूचर से लाया है। इसी बीच कैद को इन्वर्टेड गोली लगी है जिसका रेडिएशन उसके अंदर फैले जा रहा है और वो 3 घंटे तक ही जिंदा रह सकती है, उसके बाद वो मर जाएगी। जहाँ हीरो उसे बचाने के लिए टिमरस स्टाइल का यूज़ करने के लिए राज़ी हो जाता है। अब ये लोग पहुंच जाते हैं उसी जगह जहाँ पे उन्होंने पेंटिंग चुराने की कोशिश की थी, जहाँ पे एक्चुअल में इन्वर्जन की मशीन है, क्योंकि ये टाइम में तो आगे जा सकता है बट वापस आने के लिए उसको इन्वर्जन मशीन का ही सहारा लेना पड़ेगा। जहाँ जाते ही एक सोल्जर उसे कुछ बातें बताता है, जैसे कि तुम अगर पास्ट में यानी फॉरवर्ड बैकवर्ड ट्रैवल कर रहे हो तो तुम्हारी जो अतड़िया है, जो तुम्हारे पूरे बॉडी की चीज़ें हैं, वो एक्चुअल में ऑक्सीजन गेन नहीं कर पाएगी, इस वजह से तुम्हें ऑक्सीजन मास्क लगा के रखना है, ऑक्सीजन का वो पूरा मास्क, और खुद को तुम्हारे सामने आने नहीं देना है, क्योंकि अगर वो पास्ट में और फ्यूचर का बंदा उसके आमने सामने यानी दोनों एक दूसरे को आमने सामने देख लेंगे तो ये एक्चुअल में उसकी पूरे पूरे दिमाग पर असर कर सकता है। ये बता के अब हीरो पास्ट में चले जाता है, जहाँ वो जाते ही वो कार चलाने लगता है बट उससे वो कार हैंडल नहीं होती, कुछ ही देर बाद वो ईजिली हैंडल करके अपने मिशन को अंजाम देते रहता है, जहाँ पर वो फेल हो जाता है, जहाँ पे एक्चुअल में सरतर कैद को गोली मारने से बचा ही लेता है आखिरकार वो उसको, और वो एक झटके के कारण वापस आ जाता है। जहाँ पे नील उसे उस ऑब्जेक्ट के बारे में बताता है कि वो ऑब्जेक्ट एक एल्गोरिदमिक का हिस्सा है, ऐसे ही 8 ऑब्जेक्ट्स हैं जो कि न्यूक्लियर फैसिलिटी के अंदर गड़े हुए हैं। इस एल्गोरिदम में इतनी ताकत है कि इससे अर्थ के टेम्परेचर तक को भी हिलाया जा सकता है, ऐसे ही वो अगर गड़बड़ जाए तो पूरी दुनिया भी ख़त्म हो सकती है। अब कैद को पूरा ठीक करने के लिए कैद को ही ये लोग पास में लेके जाते हैं, वही जहां उन्होंने प्लेन क्रैश किया था पेंटिंग चुराने के लिए, जहां फाइट के टाइम नील उस हमला करने आए सोल्जर का चेहरा देख लेता है, जो और कोई नहीं बल्कि हमारा हीरो ही होता है। इधर प्रेजेंट में अब कैद तो बच गई है पर सतोर के हाथों 8 ऑब्जेक्ट आ गए हैं। ये लोग प्रिया को यहाँ बुलाते हैं, जहाँ प्रिया उन्हें बताती है कि क्यों फ्यूचर के लोग सतोर के साथ काम कर रहे हैं, क्योंकि अब क्लाइमेट चेंज की वजह से अर्थ का तबाह होना तय है। जहाँ फ्यूचर के लोग को लगता है कि पास्ट में जाकर कुछ चीज़ें अगर चेंज कर दी और अगर हम लोगों ने टेम्परेचर मेंटेन कर लिया तो ये जो तबाही होने वाली है अर्थ की क्लाइमेट की वजह से वो रुक जाएगी, जिसे एक्चुअल में ग्रैंडफादर पैराडॉक्स कहा जाता है। सतोर वियतनाम का एक टीनेज लड़का है जिसे वो डिवाइस मिला जिसको बनाने वाला साइंटिस्ट
ने इसको अलग अलग जगह पे छुपाया है और फ्यूचर की एक कंपनी है इसी को ढूंढने आई है, जिस कंपनी के मकसद है एक्चुअल में अर्थ से ह्यूमंस को ख़त्म करना, जिसके लिए सातौर को गोल्ड मिलता है। जी हाँ दोस्तों, पर कैथ बताती है कि ये वो सब पैसों के लिए नहीं कर रहा है बल्कि उसको कैंसर है, तो इसका मानना है कि मैं अगर जिंदा नहीं रह सकता तो यहाँ पे कोई भी बचना नहीं चाहिए, ऐसा ही उसका मानना है। अब ये एल्गोरिथमिक तब बंद होगा जब सातौर मर जाएगा, यानी उसका हार्ट बीट लास्ट तक ख़त्म हो जाएगा। पर सातौर ने इसे सेट करने का प्लान अपने होम टाउन में पास्ट में बनाया है, जहाँ पे उसके आजू बाजू उसने बॉम्ब्स लगा दिए हैं और जैसे ही ये मर जाएगा वो बॉम्ब ब्लास्ट हो जाएगी और दुनिया ख़त्म हो जाएगी। फिर इनको पता चलता है कि एक्चुअल में सातौर वही चीज़ चुनेगा और वहीं पे जाएगा जहाँ पे वो खुश था। वो एक्चुअल में कौन सी घड़ी थी? तो वो घड़ी थी जब कैथ के साथ वो यॉट पे रहा है, उसी घड़ी पे कैथ को ये लोग भेज देते हैं, जहाँ पे कैथ सातौर को मारने की कोशिश करेगी और उसे रोकेगी भी वहाँ पे, ताकि ये लोग उत्ते में डिवाइस ढूंढ के और उस बॉम्ब्स को डिफ्यूज़ कर सके। जहाँ अब ये टीम एक पास्ट में चली गई है और एक प्रेजेंट में चली गई है, एक्चुअल में यहाँ पे टीम दो बट गए हैं, एक रेड टीम और एक ऑलिक टीम, जहाँ एक टीम पास्ट में और एक टीम प्रेजेंट में होती है, ताकि अगर पास्ट में अगर कुछ हो जाए तो वो लोग प्रेजेंट में संभाल सके और प्रेजेंट में अगर कुछ हो जाए तो वो लोग पास्ट में संभाल सके। इस वजह से जहाँ खास करके बिल्डिंग के जो ब्लास्ट के सीन है ना, वो दोस्तों देखने लायक है, बहुत ही अमेजिंग सीन है। अब हीरो नीचे जाकर उस डिवाइस को लेता है, पर तभी सातौर वहाँ आ जाता है उसे गोली मारने के लिए, जहाँ पे एक लाश पड़ी है जिसके अंदर वो रेड वाला जो मैंने बताया था स्टार्टिंग में उसका पेंडेंट पड़ा है, वो बॉडी अचानक से उठ खड़ी हो जाती है और जो सातौर की जो बुलेट है वो एक्चुअल में उस बंदे को ही लग जाती है, ना कि हमारे हीरो को लगती है, और हीरो वहाँ पे बच जाता है और वो सारे बॉम्ब वहाँ पे रोक देता है। और इधर कैट सातौर को गोली मार देती है और यार्ड से कूद जाती है, जहाँ दूसरी कैट उसे देख लेती है और यही कारण बनता है एक्चुअल में सातौर के मौत का। उधर नील डिवाइस के टुकड़े कर देता है और हीरो के पास देकर जाने लगता है, पर तभी उसकी बैग पर वही रेड वाला लॉकेट टंगा हुआ दिखता है अपने हीरो को। ये वही लॉकेट है जो हीरो ने ओपेरा हाउस में उसकी जान बचाने वाले शख्स के पास देखा था। अब नील उसे बताता है कि हम दोनों एक्चुअल में बहुत अच्छे दोस्त थे, जहाँ इस मिशन को चालू करने के लिए तुम ही आए थे, यानी हीरो ने ही ये पूरा मिशन चालू किया था, और जहाँ पे उसने इस नील वाले बंदे को शामिल भी किया था इस पूरे गिरोह का हिस्सा होने के लिए, जिस पूरे मिशन का नाम होता है टेनेट। अब नील को मरना ही होगा ताकि यह मिशन सक्सेसफुल हो सके। अब हीरो को देखते हैं हम प्रिया के साथ, जो कि एक्चुअल में कैथ को मारने निकली है, जहाँ प्रिया बताती है कि हीरो ने ही हम लोगों को इकट्ठा किया, यानी तुमने ही हम लोगों को हायर किया और ख़ुद भी इस मिशन का हिस्सा बने, जहाँ पे तुम्हें पता ही नहीं था कि एक्चुअल में ये मिशन तुम्हें ही प्लान किया है, जहाँ हीरो प्रिया को मार देता है और यहाँ पे पूरी मूवी हो जाती है दोस्तों ख़त्म। दोस्तों घूसबम्स इतने आते हैं ना इस मूवी को देखते टाइम, और दिमाग इतना चकरा जाता है जितना आपका इंटरस्टेलर में भी नहीं चकरा होगा। जी हाँ दोस्तों, नोलन की वन ऑफ द बेस्ट फिल्म मैं कहूँगा। क्रिटिक्स ने क्या रेटिंग दी है, ऑडियंस ने क्या बोला है, मुझे कुछ पता नहीं, बट जितनी मैंने मूवी देखी मुझे बहुत ज़्यादा ऑसम फील हुआ, बहुत ही अमेजिंग फिल्म है। अगर आपने ये फिल्म देखी है तो नीचे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना कि आपको इस फिल्म के क्या क्या पोर्शन, क्या क्या पार्ट्स अच्छे लगे, और नोलन का डायरेक्शन तो ऑब्वियसली आपको अच्छा ही लगना है, कोई बात ही नहीं, इसमें कोई डाउट ही नहीं है। तो दोस्तों यही है पूरा का पूरा टेनेट का मूवी एक्सप्लेनेशन, आपको कैसा लगा नीचे कमेंट करके ज़रूर बताना, लाइक भी कर देना इस वीडियो को, शेयर भी कर देना अपने दोस्तों के साथ और सब्सक्राइब भी कर देना मूवीज इन चैनल को, क्योंकि आए दिन हम ऐसे ही इंटरेस्टिंग और अमेजिंग कंटेंट्स लेके आते रहते हैं। तब तक के लिए देखते रहिए Movies in.